हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बना रही हूँ बच्चों का पसंदीदा बर्गर घर पर ही। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने लिए है 2 बर्गर बन और 1 लिया है प्याज। प्याज को मैं बारीक बारीक कट कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि प्याज को बारीक कट क्यों कर रहे हो, तो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि बर्गर में प्याज जो है बिल्कुल राउंड राउंड पूरा पूरा डलता है, लेकिन मैं बारीक बारीक कट कर रही हूँ। तो चलिए, प्याज मेरा बारीक कट हो चुका है। तो अब मैं एक कटोरी लेती हूँ और प्याज को जो है कटोरी में डाल देती हूँ। तो मैं बच्चों के लिए बर्गर बना रही हूँ, तो मैं प्याज इसलिए चॉप करके डाल रही हूँ क्योंकि वो जो स्लाइस में प्याज कटा हुआ होता है, जब बच्चे खाते हैं वो तो इधर से गिर जाता है, उधर से गिर जाता है। इस तरह से आप बच्चों के लिए बर्गर बनाओगे तो बिल्कुल एकदम अच्छे से बनेगा और अंदर जो फीलिंग होती है वो भी नहीं गिरेगी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच टमाटो केचप और 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं मेयोनेज। तो इसी से ही जो है हमारा बर्गर बनेगा। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप अगर तीखा बनाना चाहो बर्गर, तो इसमें थोड़ा सा जो है रेड चिली सॉस डाल सकते हो। मैंने भी थोड़ा सा डाला है, तो ये देखिए कलर चेंज हो चुका है रेड चिली सॉस डालने से। तो अब टिक्की जो है मैंने पहले से बना के रखी थी, ये जो टिक्की है आलू और सूजी वाली टिक्की मैंने बना के रखी थी, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। तो ये फ्रीज करके रखी हुई थी मैंने टिक्की। तो अब गैस ऑन करके टिक्की को फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में मैं थोड़ा ही तेल डाल रही हूँ, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, अब धीरे धीरे से हमें जो है टिक्की को तेल के बीच ऐड कर देना है। अभी मैंने हाई फ्लेम पर जो है तेल को गर्म किया था, अब गैस की जो फ्लेम है हमें मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पर हमें टिक्की जो है इनको पकाना है, फ्राई करना है, ताकि हमारी जो टिक्की है बाहर से जले ना और अंदर तक एकदम बढ़िया से पके और क्रिस्पी क्रिस्पी सी बने। तो टिक्कियों को जो है हमें पलट पलट कर सेकना है और एकदम कुरकुरा सा बनाना है। तो ये देखिए टिक्की का जो कलर है बहुत बढ़िया सा आया है, एकदम गोल्डन गोल्डन सा कलर हो चुका है। टिक्की हमारी पक चुकी है, तो अब टिक्की को निकाल देते हैं एक प्लेट में। ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी टिक्की बनी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी सी। तो अब तवे को फिर से गैस पर लगा देते हैं और उस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी। और घी लगाने के बाद हमने जो बर्गर बन लिए हैं उनको तवे पर हमें सेकना है हल्का हल्का सा। आंच को फिर से हमें लो रखना है, धीरे धीरे से बर्गर बन जो है उनको सेकना है, ताकि उनका थोड़ा सा ब्रेड में जो कच्चा पंसा होता है वो निकल जाए और हमारे जो बन है क्रिस्पी क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए, अब मैंने जो ये मेयोनेज और सॉस वाला पेस्ट बनाया है उसको थोड़ा सा देसी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें डाला है हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हरा धनिया डालने से हमारा जो बर्गर है उसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, बिल्कुल देसी फ्लेवर। बर्गर हमारे सिक चुके हैं, तो अब क्या करना है, बर्गर का जो थोड़ा सा मोटा पार्ट होता है उसके ऊपर हम जो है सॉस और मेयोनेज वाला जो हमने पेस्ट बनाया है उसको लगा देते हैं। तो अच्छे से स्प्रेड करना है पूरे बन पर इस तरह से। अब मैं दूसरे बन पर भी इसी तरह से इसको स्प्रेड कर देती हूँ। ये बर्गर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। घर का बर्गर जब बना हुआ बर्गर बच्चे खाएंगे तो बाहर वाला बर्गर खाने की कभी भी जिद नहीं करेंगे। अब टिक्की को जो है हम इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देते हैं और साथ ही में टिक्की के ऊपर से भी हम इस तरह से इस मिक्सचर को लगा देंगे। अब जो दूसरा पार्ट है बर्गर का उससे इसको इस तरह से ढक देंगे और अब फिर से थोड़ा सा हल्का सा जो है बर्गर को हम सेकेंगे और हल्का सा इसको हम प्रेस कर देते हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का हल्का दबाना है। तो इससे क्या है, बर्गर के अंदर की जो फीलिंग है वो बढ़िया से सेट हो जाएगी और इधर उधर भी नहीं गिरेगी और बच्चे इसको बहुत आसानी से खा सकते हैं। टमाटो मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है टमाटो ऐसे भी साइड में निकाल कर फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं। तो इस तरह से बना हुआ घर का बर्गर जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो चलिए, आज की रेसिपी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ये गर्मा गर्म बर्गर जो है मैं आपको
कट करके दिखाती हूँ। ये नाइफ़ की हेल्प से मैं इसको इस तरह से कट कर देती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया से हमारा बर्गर बनकर तैयार हुआ है और टिक्की एकदम बढ़िया से इसमें सेट हो चुकी है और फिलिंग जो है इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो चलिए इस गर्मा गर्म बर्गर को इंजॉय करते हैं। बाय बाय।